फरुखाबाद में यूपी पुलिस ने 23 बच्चों को बंधक बनाने वाले सिरफिरे से छुड़वा लिया है और आरोपी को ढेर कर दिया है। पुलिस ने बताया है कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन में शामिल पुलिसकर्मियों को 10 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की है। दिल्ली के जामिया में फायरिंग करने वाले नाबालिग के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। पीड़ित छात्र शादाब की हालत भी अब स्थिर है। 5 दिवसीय गंगा यात्रा का समापन आज कानपुर के अटल घाट पर होगा। इस दौरान भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। आरती और पूजन का कार्यक्रम संपन्न कराने के लिए 11 आचार्यों की टीम वाराणसी से यहां देर शाम आई। गंगा आरती दोपहर में 12 बजे होगी। इस कार्यक्रम में मौके पर सीएम योगी के अलावा सरकार से जुड़े करीब 8 मंत्री, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, कई वरिष्ठ पदाधिकारी, सांसद, विधायक, गंगा विचार मंच के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। निर्भया के गुनहगार विनय ने फांसी पर रोक लगाने की मांग की है। पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को विनय की ओर से दाखिल याचिका में राष्ट्रपति के पास दया याचिका लंबित होने के आधार पर फांसी पर रोक लगाने की अपील की गई है। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। बजट सत्र 3 अप्रैल तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट पेश करेंगे। शुक्रवार से शुरू हो रहे बजट सत्र में होने वाले सियासी संग्राम की आहट गुरुवार को सरकार की बुलाई सर्वदलीय बैठक में साफ दिखाई पड़ी थी। उत्तर प्रदेश पुलिस का आज से बट जाएगा काम। योगी सरकार की यूपी पुलिस की टीम धरना, सड़क पर जाम हटाना, पेट्रोलिंग, बैरिकेटिंग, एफआईआर जैसे लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग होगी, तो वहीं दूसरी टीम 50 लाख से अधिक के आर्थिक धोखाधड़ी के अपराध, जाली मुद्रा के अपराध, आईटी एक्ट के तहत अपराध, भारतीय दंड विधान की धाराओं, पॉस्को अंतर्गत दर्ज मामले, राष्ट्र के खिलाफ किए गए अपराध की जांच करेगी। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह शुक्रवार को रिटायर हो रहे हैं। सेवा विस्तार की खबरों को डीजीपी ने खारिज कर दिया है। डीजीपी ओपी सिंह ने ऐसी किसी चर्चा को नकार दिया। उन्होंने कहा यह सभी कयासबाजी है। ओपी सिंह ने कहा कि वह 31 जनवरी को ही रिटायर हो रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी आज से 2 दिन की हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल के कारण प्रदेश में करीब 15 लाख अधिकारी, कर्मचारी और पेंशनरों को जनवरी का वेतन और पेंशन मिलने में देरी होगी। बैंक कर्मी लंबित मांगों का निराकरण नहीं करने से नाराज हैं। इससे पहले देशव्यापी हड़ताल अक्टूबर 2019 में बुलाई गई थी। तब बैंकों के विलय के विरोध में हड़ताल बुलाई गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर तारिक मंसूर के द्वारा छात्रों से पढ़ाई सुचारू रूप से करने के लिए जारी किया गया एक वीडियो। वाइस चांसलर ने छात्रों से शांति और की अपील करते हुए पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू करने का अनुरोध किया, जिसके चलते कुछ डिपार्टमेंट्स में पढ़ाई शुरू हो गई है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जौनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। बनारस में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य खुद अपने को देखें। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी में उनका मजाक हुआ है, उससे पूरा मौर्य समाज आहत है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद स्वतंत्र देव सिंह आजमगढ़ पहुंचे, जहां उनका स्वागत जोरदार तरीके से किया गया। नगर के नेहरू हॉल सभागार में आयोजित स्वागत समारोह में स्वतंत्र देव सिंह ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नेहरू से लेकर राहुल ने देश के लिए कुछ नहीं किया। सपा और बसपा के सरकार में भ्रष्टाचार और जमकर अराजकता हुई। इनको लेकर परिवार के सदस्यों को ही केवल टिकट दिया गया। फतेहपुर के भिठौरा में ओम घाट पर गंगा यात्रा को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें योगी सरकार के 3 मंत्री समेत जिला के सांसद, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी मौजूद रहे, जहां गंगा को स्वच्छ रखने का संकल्प किया गया। दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा किए जा रहे प्रोटेस्ट मार्च के दौरान एक युवक द्वारा तमंचे से खुलेआम फायरिंग करने के मामले को लेकर अलीगढ़ के एएमयू के छात्रों ने चुंगी गेट से बाबे सैयद तक प्रोटेस्ट मार्च निकाला। इस दौरान सभी स्टूडेंट्स ने इस पूरे घटनाक्रम की निंदा करते हुए कड़ी सजा की मांग की है।
सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी को लोकसभा में दोबारा जीत कर आने से उसके अंदर अहंकार आ गया है। सीएए और एनआरसी लाने का कानून संविधान के अनुच्छेद 14 में दिए गए अधिकार का हनन करता है। कुशीनगर में युवकों ने गन्ने के खेत में ले जाकर एक नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया। घटना के बाद दरिंदों ने नाबालिग को मुंह बंद रखने की धमकी दी थी। घटना के दो दिन बाद पीड़िता ने सारी बात अपने परिवार वालों को बताई। गैंगरेप की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी लोगों की तलाश जारी है। पूर्व मंत्री और सांसद मेनका गांधी अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर पहुंची। वहां वो प्रख्यात शायर अजमल सुल्तानपुरी के घर भी परिजनों से शोक संवेदना देने पहुंचे। दरअसल 93 साल के मशहूर गीतकार गजल गायक अजमल सुल्तानपुरी का उनके आवास पर निधन हो गया था। वो बीते काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मैनपुरी में सपा सरकार की उपलब्धियों और नीतियों बताने और वर्तमान सरकार की असफलताओं को उजागर करने के लिए उद्देश्य के साथ समाजवादी पार्टी की ओर से पद यात्रा का शुभारंभ किया गया। पद यात्रा में शामिल 200 लोगों को हरी झंडी सपा के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने दिखाई। मऊ के दक्षिण टोला थाना इलाके में बिना मानक के चल रहा चंदन पैलेस को जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। पैलेस का निर्माण मानक विहीन होने और बिना रजिस्ट्रेशन कराए चालू करने से नगर मजिस्ट्रेट जेएन साचन ने की कार्रवाई। फिलहाल पैलेस को सील कर दिया गया है। आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने डीजी के विदाई पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि पोस्ट में 3 डीजी रिटायर हो रहे हैं, क्या हम पुलिस वाले समान रैंक के अफसरों को एक बराबर सम्मान नहीं दे सकते क्या? पुलिस को हमेशा पद और रसूख पर रहने की आदत है। आजमगढ़ में साइबर क्राइम का मामला सामने आया है, जहां फैजाबाद के सोहनिया गांव के रहने वाले समाज कल्याण अधिकारी का साइबर अपराधियों ने उनका फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया, जिसके बाद उनके फेसबुक के फ्रेंड लिस्ट से जुड़े लोगों से मैसेज करके अपने अकाउंट में पैसे भी मंगवा लिए। बदायूं के जिला अस्पताल में 15 नॉन पैरामेडिकल स्टाफ की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, जिससे जिला अस्पताल की व्यवस्था भी चरमरा गई है। दरअसल नवंबर 2015 को 63 कर्मचारियों की यूपीएचएसएसपी की तैनाती की गई थी। अब यूपीएचएसएसपी ने पैरामेडिकल स्टाफ को एनएचएम में समायोजित कर दिया है। एटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से अलीगंज में बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां प्रसव पीड़िता और नवजात शिशु घंटों अस्पताल के परिसर में तड़पते रहे, पर एम्बुलेंस स्टाफ के बुलाने पर भी महिला नर्सों ने प्रसूत और को ढकने और भर्ती कराने का जिम्मा नहीं उठाया। गोंडा के नगर कोतवाली इलाके में शॉर्ट सर्किट से सराफा दुकान में आग लग गई। भयंकर धुआं निकलने के बाद लोगों ने जब पुलिस को फोन किया तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया गया। वहीं आग लगने से करीब 5 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। अपने जन्मदिन के मौके पर शिवपाल यादव अपने भाई मुलायम सिंह से मिलने पहुंचे। वहां जाकर बड़े भाई का आशीर्वाद लिया। वहीं शिवपाल यादव ने गांधी जी की पुण्यतिथि को देखते हुए कार्यकर्ताओं को सादगी से जन्मदिन मनाने के लिए कहा। मेरठ शहर विधानसभा सीट से सपा विधायक रफीक अंसारी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अपर सत्र न्यायालय स्पेशल कोर्ट न्यायाधीश पंकज मिश्रा ने 2007 में हत्या के प्रयास मामले में रफीक अंसारी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। रफीक अंसारी 2 साल से कोर्ट में तारीख पर नहीं जा रहे थे। पौड़ी में पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार अवैध तरीके से पेड़ों को काटना जारी है। कीर्तिनगर ब्लॉक में अवैध रूप से तून के पेड़ों का काटा जा रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए वन विभाग ने 4 लोगों पर केस दर्ज कर 20,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला है। कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। भारत में भी वायरस के फैलने की आशंका के बाद से केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को कोरोना वायरस से संबंधित एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके बाद उत्तराखंड राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को दूसरे देशों से आने वाले लोगों पर नजर रखने और स्वास्थ्य विभाग और उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं।
वाराणसी के कचहरी परिसर में निर्माणाधीन बिल्डिंग से अधिवक्ता ने इसे छलांग लगा दी। सूचना मिलने के मौके पर न्यायाधीश अधिकारी पहुंचे। एडीएम, एसएसपी और डिप्टी एसपी सिटी ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। एसएसपी प्रभारी चौधरी ने कहा कि प्रथम दृश्य में घटना का कारण आत्महत्या लग रही है। रायबरेली में एक युवती को बस स्टॉप पर पहुंचाने का झांसा देकर ऑटो चालक और उसके तीन साथियों ने सुनसान जगह पर ले जाकर गैंगरेप किया। युवती जब आरोपियों के चंगुल से छूटी तो डायल 112 पर जैसे ही कॉल किया तो उसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर ऑटो चालक और उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन दिनों पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो रही है। जहां बर्फबारी पर्यटकों के लिए खुशी का सबब बन रही है तो वहीं स्थानीय लोगों के लिए परेशानी भी बन गई है। उत्तराखंड के चमोली में ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला, जहां बर्फबारी में 4 किलोमीटर पैदल चलकर दूल्हा अपनी दुल्हन लेने पहुंचा। प्रतापगढ़ में पति ने बीच सड़क पर पत्नी की जमकर पिटाई कर दी। बेदर्दी से पत्नी की पिटाई करता रहा जब तक लोगों ने पत्नी को उससे नहीं छुड़ाया। पति हैवान बनकर पत्नी की पिटाई करता रहा। दरअसल पत्नी पति को किसी महिला के साथ पकड़ लिया था, जिसके बाद नाराज होकर पत्नी थाने में शिकायत करने के लिए जाने लगी, जिससे नाराज पति ने पत्नी की बीच सड़क पर ही जमकर पिटाई कर दी। जौनपुर पुलिस अधीक्षक व अपर पुलिस अधीक्षक ने ग्रामीणों की शिकायत पर लूट चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए चलाए गए अभियान के तहत बदलापुर प्रभारी निरीक्षक क्राइम ब्रांच और पुलिस टीम के साथ मिलकर मुखबिर की सूचना पर खजूरन मोड़ के पास से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी भागने में कामयाब रहे। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र में एक बार फिर दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। पुलिस के खौफ से बेखौफ दबंगों ने मोटरसाइकिल सवार 2 सगे भाइयों की कार से टक्कर मारकर निर्मम हत्या कर दी। झगड़े की वजह बिजली कनेक्शन बताया जा रहा है। फतेहपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को पहले तो जहर दिया, फिर कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। दिल दहला देने वाली इस वारदात से हर कोई सन्न रह गया। बलिया में पकड़ी थाना क्षेत्र में पूरे कस्बे में संदिग्ध अवस्था में महिला की मौत हो गई है। महिला की मौत से गांव में सनसनी मच गई है। मायके के परिजनों की तहरीर पर 5 लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मृतक महिला के पति की माने तो उसे नहीं पता कि कैसे मौत हुई है। घटना की वजह पैसे की लेन देन की बताई जा रही है। फतेहपुर जिले के जफरगंज थाना क्षेत्र के शमशपुर गांव में भारी मात्रा में निर्मम व अर्धनिर्मित असले व असला बनाने के औजारों के साथ 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोग यमुना तट से सटे जिलों में अवैध हथियारों की सप्लाई करने का काम करते थे। अमरोहा जिले के थाना गजरौला इलाके में किराए के मकान पर रह रही एक युवती की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्यारे फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गाजीपुर में बीते 26 जनवरी को सपा विधायक सुभाष पासी के भतीजे लाल बाबू पासी की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर लिया है। जांच में पता चला है कि अभियुक्त शैलेंद्र यादव ने लाल बाबू पासी को फोन करके बुलाया था और स्विफ्ट कार से लाल बाबू को लेकर गए थे, जिसके बाद पुलिस ने 3 अभिव्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आगरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने वाहन चोर गैंग के 3 सदस्यों के खिलाफ गिरफ्तारी की है। चोर पेशेवर अपराधी हैं और चोरों के कब्जे से पुलिस ने 11 मोटरसाइकिल अवैध तमंचा जिंदा कारतूस बरामद किया है। मेरठ के थाना मेडिकल क्षेत्र में तेजगढ़ी चौकी चौराहे पर सावरिया बैठाने को लेकर ऑटो चालक में मारपीट हो गई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ललितपुर के सदर कोतवाली इलाके के सिविल लाइन कृष्णा टॉकीज के पास पैसों के लेन देन को लेकर 2 महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई। बीच सड़क पर दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को लात घूसों से जमकर पीटा। पिटाई का यह वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
काशीपुर में पुलिस चौकी से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही चोरों ने लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। चोरों ने राजकीय चिकित्सालय के पास मेडिकल स्टोर से लैपटॉप, नकदी समेत लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। गाजीपुर के शास्त्री नगर चकबंदी कार्यालय में चकबंदी लेखपाल की संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकी लाश मिली है। लेखपाल की लाश मिलने से विभाग में हड़कंप मच गया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर विभागीय अधिकारियों के साथ एसडीएम, सीओ सिटी और कोतवाल पहुंच गए हैं और मामले की जांच कर रहे हैं। उत्तराखंड के पिथौरगढ़ में लगातार हो रही बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटक लगातार दूर दूर से वहां पहुंच रहे हैं, पर वहीं भारी बर्फबारी के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून में फौज से लापता सिपाही राजेंद्र नेगी को वापस लाने के लिए सरकार से मांग करते हुए धरना दिया गया। सामाजिक संगठनों एकजुट होकर सरकार से उनके लापता बेटे को वापस लाने की मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक सरकार के स्तर पर कोई ठोस पहल नहीं की गई है। स्कॉटलैंड के प्रतिष्ठित क्लब रेंजर्स एसपी ने भारतीय की राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम को फॉरवर्ड बाला देवी के साथ अनुबंध की घोषणा की है। नवंबर में रेंजर्स ने ट्रायल्स में सफल रहने वाली 29 साल की बाला देवी अंतर्राष्ट्रीय क्लियरेंस मिलने पर क्लब के जुड़े होंगी। बाला देवी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेशेवर अनुबंध करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर खिलाड़ी है। वह रेंजर्स की पहली एशियाई अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर भी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में अपना दबदबा बना चुकी टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में विराट कोहली जिम में जमकर पसीना बहा रहे हैं। वीडियो में विराट कोहली वर्कआउट के साथ साथ एक स्टंट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आज वेलिंगटन में इंडिया न्यूजीलैंड का चौथा मुकाबला होगा। सीरीज में विजयी बढ़त बनाने के बाद भारतीय टीम शुक्रवार को वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले चौथे टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में बेंच स्ट्रेट को अंजाम सकता है, लेकिन विराट कोहली की टीम मेजबानी टीम के खिलाफ अति उत्साह से बचती रहेगी, जिसे पिछले मैच में दिल तोड़ने वाली हार का सामना करना पड़ा था। यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30 पर शुरू होगा, जिसमें टीम इंडिया 5-0 से जीतने के इरादे से उतरेगी। कुछ दिनों पहले अजय देवगन ने अपनी फिल्म मैदान का एक पोस्टर शेयर कर फैंस को और टीम किया था। अब इस फिल्म के पहले लुक में अजय देवगन ने पर्दा उठा दिया। फिल्म मैदान में अजय देवगन भारतीय फुटबॉलर के महान कोच सैयद अब्दुल रहीम का किरदार निभा रहे हैं और अब उनका लुक भी सामने आ गया है। पोस्टर में अजय के साथ फुटबॉल टीम के खिलाड़ी खड़े हैं। इस पोस्टर के साथ अजय ने लिखा कि ये कहानी है भारतीय फुटबॉलर के गोल्डन फेस की और उसके सबसे बड़े सक्सेसफुल कोच की। अक्षय कुमार, सारा अली खान और धनुष अब एक साथ फिल्म में नजर आने वाले हैं। तीनों फिल्म अतरंगी रे में एक साथ दिखाई देंगे। फिल्म अतरंगी रे से धनुष एक बार फिर से डायरेक्टर आनंद एल राय के साथ काम करेंगे।